राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। सड़कें पानी से लबालब है, सड़कों से लेकर गलियों तक जलभराव है। रास्तों पर नजर आ रहा है तो वह है कीचड़। लोगों की परेशानियां और मुसीबतें इतना बढ़ गई हैं कि लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। अपना सारा काम छोड़कर घरों के अंदर रहने के लिए लोग मजबूर हैं। अब इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पूरे मैन पावर के साथ हालत से निपटने के लिए ग्राउंड में उतर आई है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के अफसरों की रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है। सभी अधिकारियों को फील्ड पर रहकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने का दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली में 41 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1982 के बाद जुलाई में एक दिन में रिकॉर्ड बारिश हुई है। चुनौतियां बढ़ने पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि संबंधित अफसरों को समस्याग्रस्त इलाकों में जाकर निरीक्षण करना होगा और सस्ता सुगम साफ सफाई करवाने के लिए कहा है। मेयर और मंत्रियों को भी निरीक्षण करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शनिवार को दिल्ली में 126 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून सीजन की टोटल बारिश का 15% मात्र 12 घंटे में बरसा। लोग जलभराव से काफी परेशान हुए। रविवार को दिल्ली के सभी मंत्री और मेयर समस्याग्रस्त इलाके का निरीक्षण करेंगे। सभी विभागों के अफसरों की संडे की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। इन सभी अफसरों को ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। यहां मौसम की पहली भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। 41 साल बाद ऐसी बारिश हुई है। IMD का कहना है कि दिल्ली के मौसम केंद्र सफदरगंज वेधशाला ने रविवार सुबह 8:30 तक 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। इससे पहले 21 जुलाई 1958 को अब तक की रिकॉर्ड 266.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। फिलहाल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले लोगों की परेशानियाँ और बढ़ सकती है। दिल्ली में भारी बारिश के कारण पार्क, अंडरपास, बाजार और यहां तक कि अस्पताल परिसर भी जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घुटनों तक गहरे पानी से गुजरते यात्रियों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे शहर के जल निकासी को लेकर टेंशन बढ़ गई है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बाधित हुई है। इंटर 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।